हाय गाइस, वी आर इन कॉलेज वहां से, सर वो आ रहे वहां से, सॉरी देख सकती हो। हाय सर, मैंने छोड़ी हूँ व्लॉगिंग, तेरी तरह डेली व्लॉगर थोड़ी हूँ मैं आज। तो कॉलेज में कुछ खास मोल है नहीं है जैसे आप देख रहे हो, इधर उधर वो सर जा रहे हैं। इधर कॉलेज में क्या दिख, अरे एनवायरनमेंट यार, मतलब बच्चे देखो यार, खेलने का मतलब मैं डाटा बंद कर दूं। तो क्लासेस जो होने वाली थी जलील हो गए हम अच्छे से, अभी जो हम यहाँ से वापस निकलते हैं तो नेक्स्ट शॉट में क्या पता कहाँ पे मिलूंगा मैं आप लोगों का। वैसे घास भूस अच्छी उग गई है यहाँ पे, हम याद के लिए व्लॉग देखेंगे कभी कभार, आज से 10 साल बाद जब शीदा बुढ़ा हुआ होगा, इसके बच्चे 2-3 होंगे, इसके 3-4 बच्चे होंगे, ये भी देखेंगे। 5 होंगे, 4 क्यों होंगे, 6 बच्चे, 10 होंगे, 5 शादी होंगी, तड़ी के जिंदा भी रहेगा तब तक, 5 करूँगा ना। ये पता क्या क्या है वो अंदर का शेर है कुछ, समी के सारे दांत गिरे होंगे। हाँ देखो कैमरा तोड़, समी के सारे दांत गिरे होंगे, समी ऐसे बोल रहा होगा। हाय गाइस, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बताओ बस सारा मूड खराब कर दिया। करंटली सेकंड डे, हमारे साथ है छोटा शाहिद और बड़ा शाहिद, धुंधले से दिन हो रखे हैं, लास्ट डेज हमारे चल रहे हैं कॉलेज में, बस ऐसे उल्टी गिनती शुरू है। तो ये वीडियो आप बहुत ज़्यादा लेट देख रहे होंगे क्योंकि मैंने कुछ ऐसा ही प्लान करके रखा हुआ था कि वीडियो थोड़ी लेट बनाई जाएंगी, पढ़ाई समझ रहे हो। तो आज हम आधे यूनिफॉर्म में हैं, आधे यूनिफॉर्म में नहीं कॉलेज चलते हैं, थोड़ा सा जलील होते हैं। हमने यहाँ से पानी भरा, यहाँ से तू ही पिएगा फिर। Several days later. तोते ले ली। देखो ठंड लग रही है इसमें, ये देखो ऊपर क्या लगाया हुआ है, एक इसके नीचे, इसके पीछे आवाज ही नहीं आएगी, यहाँ मुंह रख के बोलेगा। हाँ हाँ, इसको देख रहे हो, और मैं ही नहीं आ रहा। आ रहे तो लग नहीं, नहीं आ रहा, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। हे गाइस, भाई अपना समी सुबह से जिस बंदे का वेट कर रहे थे भाई अभी आके पहुंचा है। नीचे आए थे हम लोग यहाँ से फोर्थ स्टेट के बाद, अपनी मार्कशीट वगैरह फॉर्म फिल कर दिया है, जस्ट चलते हैं यहाँ से कॉलेज में और अपना फॉर्म वॉर्म फिल करते हैं। आप सुनाए सर, बहुत अरसों बाद आके तेरे 100 रुपये अभी तक बन चुके हैं। अच्छा, कंप्लीट रोकने से बाद कॉलेज आएंगे, मतलब ऑफिशियली लग रहा है कि हमारा ये लास्ट दिन है। आज हमारा ऑफिशियल लास्ट दिन है कॉलेज में, कहा जाए तो हम भरने वाले हैं आज जी अपने एग्जाम फॉर्म। यार इधर भी हीरो लग रहा है, देख रहे टिकटॉक के गाइस, ये देखो टिकटॉकर। आज कॉलेज में थोड़ी कुछ अलग सी अजीब सी वाइब आ रही है, थोड़ी खुशी भी हो रही है और उसी टाइम पे ऐसा लग रहा है कि 3 साल वेस्ट भी कर दिए साथ में क्योंकि मज़ा इतना सा नहीं आया, मतलब सच बताएं तो, है ना, ना हमने खेला कॉलेज में आए नहीं, 2 साल तो हमने कॉलेज में आए नहीं। तू इधर आ जाना, हाँ इधर आके बोला, 2 साल से हम कॉलेज में नहीं आए। हाँ वो तो सारे नहीं गए, हाँ जो साल बचा वो उसमें भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी आए कभी जो साल बचा उसमें। हाँ मैं सही बात है, अभी अभी मैं आया हूं, ये अभी तक आता रहा मैंने और विलास ने, काफी अरसा हो गया, मैं 6 में आया हूं, स्किप कर दिए बीच में से काफी। हां हमने बहुत ज्यादा स्किप किया कॉलेज। खैर अभी जो है हम जाके अपना ऑफिशियल वाला साइन मारते हैं, लास्ट डे इन कॉलेज। और पिछली बार जब मैं कॉलेज में आया था, आपने वो पहली जो क्लिप्स देखी वो कुछ काफी दिन पहले, यहां से और यहां से इस साइड से चलेंगे हम, शॉर्टकट चलेंगे, सीधा फॉर्म भरेंगे और निकलेंगे वापस। और ब्लॉगर साहब ठीक हैं? बढ़िया सर, कैसे हैं आप? कैसे घूमना हुआ कॉलेज में आज? बस माइग्रेशन लेने आया था। माइग्रेशन, चलो जी पहले साइन मार लेते हैं, ऐसे ही लेके हम पूरे ना ऑफिस में घुस के जो है सीधे जमा कराने के लिए चले गए, और इसके ऊपर साइन करा हुआ ही नहीं था पहले। भाई अगर भाई आपको अपनी गर्लफ्रेंड से दिली खुलूस है, समझ रहे हो, दिली खुलूस अंदर बात, तो उसकी डिसरिस्पेक्ट बोल के मत करो, कुछ ऐसे नहीं कर सकते हो। आपके आप चल रहे हो भाई इस टाइम में फॉर्मल स्टाइल, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, अब ऐसे हो रहे वैसे कुछ स्टार्ट। डॉक्टर साहब मुझे बवा पेंदे गुड, मुझे लगता है हम तीनों में एक ही शायद ने सिर्फ पेन लाया हुआ है। मैंने साइन का पूरा खड़ा कर दिया है एक सेकंड में, वो भाई ये राइटोमीटर से नहीं लिखने होता यार, यार वहाँ पकड़ी है जो से बोले तेरे को बादल लंबी आदि मान ले तब तक मैं ऐसे ऐसे स्लिप मारता हूँ, ऐसे ऐसे मिशन सक्सेसफुल। अभी चलते हैं, चल के जो अपना कैसे टेढ़ा हो रहा है, वो लास्ट दिन है, पता नहीं क्या हो रखा है यार इसको। विलास क्या खा के आए सुबह, मिर्ची तो नहीं खाई,
नहीं यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, मैं फुलके मैं आज तक कभी भी ना कहीं पे भी निकला हूँ सुबह भूखे पेट कभी नहीं निकला, एक कप चाय का पीना पड़े वो भी पी के निकल लेता हूँ, पर निकल लेता हूँ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। क्या लगाया समी अभी आपने? समी लिपस्टिक लगाई है, पानी पिया था उसके बाद लिपस्टिक लगाई है, अभी जा रहे हैं फॉर्म फिल करने के लिए। क्या क्या होता है यार, मैं भी करूँगा रुको, पता नहीं आ रहा है। आप बनी ना बात, तीन बच्चे पैरों के साथ लगाएगा पर नहीं वो। हमने शायद को डालना चाहा कहाँ पे? सर डस्टबिन में पैक किया हमने शायद को, लेके जा रहे थे, हमने सोचा उधर है ही नहीं कोई, अपनी मौज मस्तियों में और आगे से जैसे दरवाजे के पास पहुंचे सर तुम लोग ये नहीं 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 तुम लोग अभी वहीं पे थे, मैं निकल के भाग भी गया था बाहर, मैं गेट पे था लास्ट में वही नहीं बाहर कैसे निकला जल्दी जल्दी डस्टबिन से, मैं एकदम से एक पैर पर गिर के निकल रहा था तुम देता वो यार उन्होंने देख तो लिया, अब अंदर नहीं जा सकते हम, बेइज्जती पड़ी। चल रहा था अभी तो चल जा मैं बोलने लगा हम शीट में बोल दे तू शीट तू है। हम जिंदगी में कभी कैंटीन में नहीं आए, तो बात ऐसे है कि ये जो कैंटीन है ये भी हमारे कॉलेज खत्म होने के साथ साथ खुली है, दूसरी बार आए मतलब ऐसे तो हम आए बहुत बार, पर यहाँ पे जो एक कुत्ता लेटा हुआ होता था तो इस बार अंदर इंसान है और वो कुछ खाना सर्व कर रहे हैं, थोड़ा खाने पीने की चीज़ें स्टफ टफ, तो शीदे को भेजा सॉरी विलास को हमने अंदर भेजा, वो जाके शीदे तो शीदे ही बोलना था, नाजिम दल्ला बोल दे रिएक्शन दे रिएक्शन नहीं नहीं किसको आने दे किसको आने दे इधर बोल इधर बोला किसका वेट किसका कर रहे हो तुम इसे बंद कर फिर बताता हूं क्या नहीं मैं नहीं बंद कर रहा भाई इसको लेके चल नहीं समझ रहा हां चल छोड़ चलो समझ रहे हैं नहीं समझे तो आधे घंटे से बैठे हुए हैं चल नहीं समझ रहे हैं चलो पकड़ के ले गया जैसे डस्टबिन में डाल था वैसे यहाँ से भी लेके चलो किसे बोल दे है कौन है यार इम्तियाज अच्छा ठीक है इम्तियाज को बोल सकता है तो बंदा जा ही नहीं रहा बिटरा हुआ इधर बाय बाय कॉलेज और ये हमारे साथ हैं हमारे दो चोमूज मैं जा रहा मेरे को जबरदस्ती ले जा रहे हैं यार मैं जबरदस्ती नहीं जा रहा भाई अपनी मर्जी से जा रहा है तो हुआ ऐसे कि मैंने सोचा था कि आज लास्ट डे हमारे कॉलेज में एज अ स्टूडेंट और इसके बाद जो हम आएंगे फेयरवेल की पार्टी हो रही है मैंने सोचा फेयरवेल जो है वो कैंसिल हो गया पर फेयरवेल कैंसिल नहीं हुआ तो अनफॉर्चुनेटली हमें फेयरवेल के लिए भी आना पड़ेगा फिलहाल जो है हम यहाँ से इज्जत बचा के निकलते हैं पुंछ की तरफ तेरे पेपर वाले दिन होगा नहीं तू साथ चल रहा है ना चल लंग अगे हो तू भी मत पीछे रुकना स्टार्ट ये नहीं नहीं फेयरवेल वाले दिन की बोल रहा हूँ अच्छा फेयरवेल है जो आज के दो दिन बाद होने वाली पर जो है व्लॉग्स वो बहुत ज़्यादा लेट आने वाले हैं साल बाद आएगा इसकी इसको जल्दी आएगा गाइज यहाँ से हम शायद को जो है बाय बाय बोल रहे हैं क्योंकि इसको दोबारा वापस कॉलेज में जाना है पता नहीं क्यों जाना है यार मतलब ये घर वाले तेरे व्लॉग देखेंगे ना क्यों जाना है तुझे कॉलेज में वापस कोई नहीं जाना मेरे को आंटी जी इसकी कोई भी क्लास बाकी नहीं अभी बची हुई तो हम जा रहे हैं इधर तो ये लड़का वापस कॉलेज में जा रहा है चल जा निकल जा One hour later. अंदर नहीं है डेड भाई अभी तू उठा हुआ था वीडियो में वहाँ से हमने शाहिद को जो है रवाना किया कॉलेज की तरफ मुड़ के आके हम पहुँच गए अपने रूम में ये रूम अब आपको मुझे नहीं लगता किसी और व्लॉग में देखने के लिए मिले परसों हमारी जो है फेयरवेल की पार्टी वो सेट कर लिया है कुछ स्टूडेंट्स ने मिलके और हमें जो है मतलब फॉर्चुनेटली हम कॉलेज आए हुए थे तो हमें पता चल गया तो अभी ये कुछ सारा का सारा सामान ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है आधा इधर तो ये रहा जी अज़र महाशय का टेंट और हुआ यूँ कि अज़र आने वाला था टेंट लेने के लिए पर अब अज़र भी नहीं आया वो मैंने थूम यहाँ पर रखा हुआ है उसको लहसुन देख रहे हो आप हिंदी उर्दू वाले तो वो भी नहीं आया और उसका टेंट भी यहीं पे अभी मुझे टेंट कैसे करके किसी के हाथ में भेजेंगे यहाँ से जम्मू तक तो मैं करता हूँ जो है पैकिंग वगैरह पता नहीं ये ब्लॉग कितना बना हुआ होगा यार करता हूँ जी ये सामान वामान पैक और ज़्यादा सामान मैं साथ लेके नहीं जाने वाला कुछ जो है
कुछ जोड़े जो है हम शूज़ पैक करेंगे और इस टाइम में साथ लेके जाएंगे, बाकी हम पैक करके यहीं पे रखेंगे, किसी दिन गाड़ी लेके आएंगे और यहाँ से सामान जो है सारा हम दूसरी साइड लेके जाएंगे, मतलब वो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं बताऊँगा। मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी है, भूख लगी हुई है बहुत ज़्यादा और वहाँ से यहाँ चल के आके पसीने में ही सारा का सारा पानी निकल गया, पानी अंदर है नहीं एक ड्रॉप भी पीने के लिए। पानी का वेट करूँगा, तू पानी का वेट कर, करता रहे ऐसे ही, ठीक है? मैं तब तक ब्लॉग कर देता हूँ। तो ठीक है यार, मैं सोच रहा हूँ ये ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, अब हम आपको मिलेंगे जी नेक्स्ट हमारा जो होगा फेयरवेल का ब्लॉग। ब्लॉग्स इसलिए लेट डाल रहा हूँ, काफ़ी बंदे मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि ब्लॉगिंग कंटिन्यू करो, रोज़ रोज़ ब्लॉग डालो, तो पढ़ाई के साथ साथ रोज़ रोज़ ब्लॉग डालिए, पढ़ा पढ़ा बंद करो आपके बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, पढ़ाई का मामला है तभी ब्लॉग नहीं डाल रहा यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय। बोलना।